गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल। थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है दोस्तों। आज आपके लिए एक नया टॉपिक है दोस्तों, जिसमें बताया जाएगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। भाग्य ऐसी चीज होती है दोस्तों, अगर हम कोई कर्म भी नहीं करते हैं तो वो भगवान के द्वारा हमको दिया जाता है और इसी को हम भाग्य कहते हैं। भाग्य भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है दोस्तों। इसके लिए आज हम ये टॉपिक लिए हैं कि आपके भाग्य में जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और आपसे एक बात कहनी थी दोस्तों, जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, उसके लिए ढेर सारा प्यार। और जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ढेर सारा प्यार थ्री एंजल को दें। और यहाँ पे टैरो रीडिंग की बुकिंग भी चालू हो गई है दोस्तों। अगर आप टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, हस्त रेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो फाइल रखे हुए हैं दोस्तों, एक येलो रखा हुआ है और एक रेड रखा हुआ है। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर ये फ्लावर रखे हुए हैं कांच के। अगर आप दोनों में से कोई भी भाग्य की बात हो रही है तो आप पहले एक मिनट मेडिटेट करके ईश्वर का नाम कर लेकर आप दोनों में से कोई एक चॉइस कर लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। इन्होंने येलो रंग का बाउल चुना था, फ्लावर चुना था दोस्तों। देखते हैं उनके भाग्य में क्या निकल कर आता है। द टावर, द जस्टिस, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ रॉड्स। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही आप हिम्मत वाले हैं, बहुत साहसी पर्सन है, व्यक्ति हैं आप दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट फाइल वाले आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा साहस है, बहुत ही आप में एक काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। काम जैसे कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही सफलता मिलने वाली है और सक्सेस मिलने वाली है। इतना प्यारा कार्ड निकल के आया दोस्तों आपके भाग्य के लिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपका भाग्य जो है बहुत ही उज्ज्वल है, बहुत ही डेस्टिनी आपकी बहुत ईश्वर ने एकदम सोच समझ कर लिखी हुई है। बहुत ही प्यारा डेस्टिनी आपका दोस्तों। यहाँ पर इस कार्ड से पता चलता है कि आप में जो डेस्टिनी में आपके भाग्य में जो लिखा है कि आप बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे, तकलीफ था आपको, कोई भी समस्या हो सकती है दोस्तों, वो आप उसमें पार चले जाएंगे, उस समस्याओं को दूर कर देंगे और आपके जीवन में सुख ही सुख आने वाला है। आपके भाग्य में जितनी भी कठिनाइयाँ थी, जितने भी टावर मोमेंट थे, वो चले जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, बरकत ही बरकत आने वाला है आपके डेस्टिनी में। यहाँ पे अगर आपके साथ कोई अन्याय किया है या कोई आपको भला बुरा बोला है या आपको कोई परेशान किया है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, यानी आपको इंसाफ मिलने वाला है। या तो आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या आप किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है और बहुत जल्द मिलने वाली है। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, इंसाफ होने वाला है आपके जीवन में। और आपको ये इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि आपके भाग्य में ये भी लिखा है कि आप बुराई का साथ नहीं देंगे, सच का साथ देंगे। हमेशा आप इंसाफ पसंद, लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, आपको इंसाफ बहुत पसंद होगा। यानी आप झूठ के पास नहीं जाएंगे बल्कि आप सच का ही हमेशा साथ देंगे। आपके भाग्य में ये लिखा है, इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपका भाग्य वाकई बहुत पावरफुल है। आप बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कोई आप बहुत बड़े इंसान हो, बहुत बड़े क्रिएटर हो, बहुत बड़े आप यूट्यूबर हो, बहुत बड़े आप नेता अभिनेता हो सकते हैं, बहुत बड़े आप सिंगर हो सकते हैं, पॉप सिंगर हो सकते हैं। यानी इसमें जो रचनात्मक कार्य वाले पर्सन हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और हो सकता है कि आप वर्ल्ड फेमस इंसान हो, ये आपके भाग्य में लिखा है।
कि ईश्वर के द्वारा आप डेस्टिन हैं दोस्तों, क्योंकि ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आप इतने फेमस होने वाले हैं, या तो होंगे या तो आने वाले फ्यूचर में आप बहुत नामी जामी और प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि आपके आने वाले जीवन में आपको, अगर आप किसी भी चीज़ में, आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे यानी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी और सफलता ही सफलता आपको मिलेगी, विक्ट्री ही मिलेगी यहाँ पे। और आप में इतनी साहस है, इतनी शक्ति है कि आप हर कार्य को एकदम दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, सोच समझ के करते हैं और उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। यानी आप में जो एक जीतने की जज्बा है, विक्ट्री पाने की जज्बा है, वो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। विक्ट्री पाने की मतलब हमको ये करना है, हमको ये जीतना है, ये जज्बा आप में बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट फाइल यानी आप कोई भी चीज़ अगर काम करते हैं तो उसको दिलो जान से करते हैं और उसमें विक्ट्री ही विक्ट्री मिलती है, सफलता ही सफलता मिलती है। वो आप किसी भी तरीके से करें लेकिन आप करते ज़रूर हैं। देखते हैं आपके डेस्टिनी में और क्या लिखा है दोस्तों। डिवाइन साइड, यानी मैंने पहले भी बोला ना कि आप डिवाइन से ब्लेस हैं, ईश्वर से ब्लेस हैं। वाकई आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है दोस्तों। आपको बहुत ही डिवाइन साइड है, यानी आपको ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ब्लेस है। आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, आप में स्पिरिचुअल भावनाएं भी बहुत हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलेंगे। इस कार्ड को ये पता चल रहा है देख के, आप बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत जल्दी अग्रसर होंगे या तो अग्रसर हो चुके होंगे। आपके डेस्टिनी में ये लिखा है। आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, आप सबको सही राह दिखाएंगे, सच्ची राह दिखाएंगे। विशेष, आप जितने भी आप विशेष रखते हैं या विशेष मांगते हैं, वो आपके भाग्य में लिखा है कि आपकी जितनी भी विशेष हैं वो अवश्य पूरी होंगी। आपकी कोई भी विश अधूरी नहीं रहेगी, आपकी जितनी भी विशेष हैं वो सब पूरी होने वाली हैं। फ्यूचर, आपका जो फ्यूचर रहेगा दोस्तों बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये दिया गया है, आपका जो पास्ट है वो आप उसको भूल जाइए। जो भी आपकी समस्याएं थी पास्ट की, जितनी भी तकलीफें थी, समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, उसको एकदम भूल जाइए और आपका आने वाला फ्यूचर जो रहेगा बहुत ही उज्जवल होने वाला है। आपके भाग्य में लिखा है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है, बहुत ही ब्राइट रहने वाला। अगर आपको कोई भी तकलीफ थी वो दूर होने वाली है और फ्यूचर बहुत बहुत सक्सेस रहेगा और सफल रहेगा। सर्विस का कार्ड आया दोस्तों। हो सकता है कि आपको ईश्वर ने इसके लिए धरती पर भेजा है कि आप सर्विस करें, लोगों की मदद करें, सहायता करें, लोगों की अगर वो तकलीफ में है तो उनकी आप दिल से मदद करें। चैरिटी भी कर सकते हैं, आप इतने आप कैपेबल हैं कि आप चैरिटी भी कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी को भी आप सर्विस दे सकते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना अच्छा आपका भाग्य में आपके लिखा है कि ईश्वर ने आपको लाइट वर्कर के रूप में भी चुना है, सर्विस करने के लिए भी चुना है। यानी आप हर तरह से आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, चाहे पैसे के रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप में, चाहे वो भोजन के रूप में, चाहे चैरिटी के रूप में। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आ रहा है दोस्तों। सरप्राइज, आप लोगों को सरप्राइज देने में बहुत विश्वास रखते हैं। कोई भी काम करेंगे तो आप बता के नहीं करेंगे। यहाँ पे
उनको आप सरप्राइज देंगे, उनका दिल एकदम खुश हो जाएगा। आप अगर वो किसी को भी सरप्राइज देते हैं या पैसे से संबंधित या कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो इंसान बहुत ही दिल से खुश होता है और दिल से दुआ देता है आपको। तो आप सरप्राइज करने में विश्वास रखते हैं और लोगों को सरप्राइज भी करते हैं, इस कार्ड से ये पता चलता है। बर्थ, यहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों कि हो सकता है कि आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, यहाँ बर्थ का कार्ड आया, तो यानी जीवन में आपके बहुत बदलाव आने वाला है। वो बदलाव बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है, न्यू बर्थ होने वाला है, नई योजनाएं, नई आइडियाज आपके जीवन में आने वाली है, ये आपके भाग्य में लिखा है। जैसे नया जन्म होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का ये आ गया कार्ड, उसी तरह ये भी बर्थ का कार्ड आ गया, यानी आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है, अच्छा परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और भी बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे आपको जो सुख सुविधाएं आ रही हैं, बहुत ही भौतिक सुख आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आपका भाग्य भी बहुत तेज़ी से बदलेगा। यहाँ पे फ्यूचर का भी कार्ड आया है दोस्तों, फ्यूचर और बर्थ, यानी आपका जो फ्यूचर रहेगा वाकई बहुत सक्सेस और सफल रहने वाला है दोस्तों। देखते हैं कि और क्या आपके कार्ड से निकल कर आ रहा है, कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो कोई छीन नहीं सकता है दोस्तों। स्ट्रेस, यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तनाव देने वाले लोगों से आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत तनाव दे सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं या आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो उनसे बचिए। इस कार्ड से ये पता चल रहा है, स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। न्यू विजन, मैंने बर्थ से ही कार्ड से बोला कि आपके लिए नया आइडियाज, नया विजन, नया चीज आपके जीवन में आ रहा है, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। ये परिवर्तन बहुत ही आपके लिए सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, आपका भाग्य बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। अगर पास्ट में आपका जो भविष्य था या आपका जो भी समस्याएं थी, तकलीफ थी, वो सब दूर होने वाली हैं, और आपका जो फ्यूचर है, इन फ्यूचर बहुत ही आप सक्सेस और सफल रहने वाले हैं, और आप नए नए विजन आप रखेंगे, आपका उद्देश्य पूरा होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा, न्यू विजन आपके जीवन में आ रहा है। इंटेंसिटी, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सब जितनी भी चीजें आ रही हैं बहुत तीव्रता से आ रही हैं, आपका भाग्य बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीन कार्ड ऐसे आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत ही परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में। वो परिवर्तन जो आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, और आपका न्यू बर्थ हो रहा है, नया आइडियाज आ रहे हैं, आपका फ्यूचर भी अच्छा हो रहा है, आपका भाग्य भी खुल रहा है, आपका भाग्य भी उज्ज्वल हो रहा है, ये सब आपके भाग्य में बहुत तेजी से आ रही हैं, इस कार्ड से ये पता चलता है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए कार्ड, मैंने यहाँ पे बोला नहीं, यहाँ पे चार चार कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के आ गए दोस्तों। इसमें भी ये, इस कार्ड से भी ये पता चलता है दोस्तों कि आपका जीवन में पहले के समय बहुत ही तकलीफ में था, बहुत ही समस्याएं थी, बहुत ही ज्यादा अंधेरा था आपके जीवन में, यानी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। बीते हुए समय में आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स थे, परेशानियां थी, बहुत तकलीफ में थे आप। इस कार्ड से अब मुझे पता चल रहा है, फर्स्ट फाइल वाले, कि आपके पास्ट लाइफ में बहुत ही ज्यादा तकलीफें थी, बहुत ही ज्यादा समस्याएं थी, लेकिन आपका जो फ्यूचर रहेगा एकदम अलग रहेगा, बहुत ही सक्सेस और सफल रहेगा। देख रहे हैं अंधेरे के बाद आप कितनी अच्छी अच्छी, देखिए पिंक कलर है, ब्लू कलर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में शांति आ रहा है, आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगा, सक्सेस भी आएगा यहाँ पर। तो आपके भाग्य में यही लिखा है कि
कि आप पीछे एक समय में आप बहुत तकलीफ में थे, परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर में आपका भाग्य बहुत ही साथ देगा। आप भौतिक सुख से आप लद जाएंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब आने वाली है और आपका भाग्य जो है निखर के आएगा, उभर के आएगा। और आपका जो ईश्वर भी है उनका भी आपका साथ है, तो आपका जो भविष्य, आने वाला जो भविष्य है, बहुत ही सक्सेस और सफल रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर ये फाइल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, जिन्होंने ये रेड रंग का फ्लावर चुना था, देखते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। टू ऑफ रॉड्स, थ्री ऑफ कप्स, द मून, द सन। देखिए दोस्तों, आपका जो भाग्य है वाकई बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा भाग्य निकल के आया। यानी आपका समाज में एक रुतबा होगा, मान सम्मान होगा, यश प्राप्त करेंगे आप। आपका भाग्य इतना पावरफुल है, आप बहुत लकी पर्सन है दोस्तों। यहाँ पे ये बताया गया है, बहुत ही प्यारे कार्ड निकल के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए हैं। और मेजर आर्काना के दो दो कार्ड निकल कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ब्लेस व्यक्ति हैं, बहुत आशीर्वादित व्यक्ति हैं। जो भी सेकंड फाइल देख रहा है वो भाग्य के द्वारा बहुत ही आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत ही लकी पर्सन हैं आप। यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि आप अगर हाई एजुकेशन करना चाहते हैं या तो विद्या अर्जन करना चाहते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, या तो अपने ही देश में रहकर किसी बड़े यूनिवर्सिटी से आप कोई बड़ा मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आपके भाग्य में ये लिखा है और वो जो आप इच्छा कर रहे हैं वो अवश्य पूरा होगा। या आप अगर आप विदेश जाने के लिए जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपका भाग्य साथ देगा पूरा होने में, क्योंकि आप बहुत लकी पर्सन है वैसे भी। यहाँ पे आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपके घर में बहुत ही खुशियाँ रहेंगी, बहुत ही आनंद रहेगा, बहुत ही सेलिब्रेशन होगा आपके परिवार में। कभी टी पार्टी होगा, कभी किट्टी पार्टी होगा, कभी बर्थडे पार्टी होगा, यानी कोई ना कोई समारोह आपके घर में होता ही रहेगा। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके भाग्य में ये लिखा है कि आप खुद भी पार्टी करेंगे और दूसरों को भी इंजॉय करने देंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपके फैमिली में जो फीमेल पर्सन है वो ज़्यादा हैं और आप फीमेल पर्सन की बात भी बहुत मानते हैं, इस कार्ड से ये पता चलता है। और थ्री ऑफ कप से ये भी पता चलता है कि आप एक बहुत लविंग एवं केयरिंग पर्सन है। आप बहुत प्यारे व्यक्ति हैं जो दूसरों की भी मदद करते हैं और खुद की भी मदद करते हैं, दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर इस कार्ड से ये पता चलता है। यहाँ हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसे तीन फ्रेंड हों जो कि आपको बहुत ही मदद करते हैं। हो सकता है कि यहाँ फीमेल पर्सन है तो हो सकता है कि आपके तीन ऐसे फीमेल दोस्त हों जो आपको हर कार्य को करने के लिए, या तीन बहनें हों या तीन दोस्त हों जो आपको हर चीज़ में मदद करती हैं, आपको आपके भाग्य को और भी अधिक बढ़ाते हैं। या आप स्विच एनर्जी स्विच कर सकते हैं, अगर मेल हैं तो फीमेल कर सकते हैं और फीमेल हैं तो मेल भी कर सकते हैं, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके ऐसे तीन आसपास कोई तीन व्यक्ति ऐसा है जो आपको बहुत ही सपोर्ट करता है आपको भाग्य के बढ़ाने में। या घर के परिवार के भी लोग हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती हैं, बीवी भी हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आप जो है मन से ना, आप बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आप डिवाइन द्वारा ब्लेस हैं आप, लेकिन आपका मन जो है शांत नहीं रहता है, बहुत आप
भावनाओं से भरे रहते हैं, यहाँ भी जाएं वहाँ भी जाएं, ये करें वो करें, यानी आपके मन में मतलब भावनाएं खत्म नहीं होती हैं, एक खत्म होती है दूसरी शुरू है, दूसरी खत्म होती से शुरू हो जाती है आपके जीवन में। आपका भाग्य ऐसा है, यानी आप बहुत सोच विचार करते हैं, कोई भी बात भी नहीं रहेगा तो भी आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, ऐसी आपका मन है। आप मन से शांत नहीं है, मन के द्वारा बहुत चंचल पर्सन है। आपको खुद ही, आप रीडिंग सुनेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि बात सही है। आप बहुत मन से परेशान रहते हैं, चंचल रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, ऐसे पर्सन हैं आप। आपके वो भाग्य में ही लिखा है कि आप बहुत ही चंचल व्यक्ति हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपके भाग्य में बहुत ही सम्मान लिखा है। आप बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, और यह हो सकता है किसी सरकारी बड़े पोस्ट पर हों, क्योंकि जिसका सूर्य तेज होता है दोस्तों, तो उसको मान सम्मान और पिता का भी साथ मिलता है। तो आप बहुत लकी पर्सन हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी ये देख रहा है उसके लिए पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा। यानी आपका लगाव जो है अपने पिता से बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ही सक्सेस और सफलता मिलने वाला है इस जीवन में। आपका भाग्य आपके साथ है, आप बहुत लकी पर्सन हैं। या हो सकता है किसी किसी के यहाँ संतान प्राप्ति का योग हो। और व्हाइट घोड़ा तो सक्सेस का, सफलता का और आगे बढ़ने का प्रतीक होता है, और आप जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सक्सेस की तरफ, घोड़े की तरह दौड़ेंगे आप। यहाँ पर देखते हैं कि ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या आता है। मूविंग, मैंने बोला ना कि आप विदेश यात्रा जाएंगे, देखिए तो कार्ड कभी झूठ नहीं बोलता है। मैंने बोला कि आपको कहीं दूर देश जा सकते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, विदेश भी जा सकते हैं, देश भी जा सकते हैं। ये कार्ड ने प्रूफ कर दिया कि आप वाकई मूविंग कर रहे हैं, यानी आप पढ़ाई के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, कहीं विदेश जा सकते हैं। आपका वो जो यात्रा रहेगा वो सफल और सक्सेस रहेगा, यहाँ पे दिया गया है। अब कोई कोई दोस्तों यहाँ पे मूवी का मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलेंगे। स्पिरिचुअल पाथ का मतलब ये होता है कि आप आध्यात्मिक बनेंगे, आप ईश्वर को बहुत मानेंगे, गॉड को बहुत मानेंगे, उनकी हर एक बात को आप ध्यान रखेंगे, उनकी बातों को फॉलो करेंगे, ये होता है। आध्यात्मिक भावना का बहुत विकास होगा आप में। मैनिफेस्ट, यहाँ पे आपके जितने भी मैनिफेस्टर्स हैं वो सब पूरे होने वाले हैं दोस्तों। यानी आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपने मन में जो भी, देखिए जॉब का, नौकरी का, पढ़ाई का, सेलिब्रेशन का, मान सम्मान का, जितने भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप जितनी भी आप विश मांगोगे ईश्वर से, आपके भाग्य में लिखा है वो अवश्य पूरी होगी। यहाँ पे दोनों ओर देख रहे हैं फेरी है, यानी एंजल है, वो एंजल भी आपकी सब विशेष पूरी करने वाले हैं। केवल विशेष मांगने का ये तरीका है कि आप दिल से मांगिए और पॉजिटिव वे में मांगिए कि मेरा ये जो मैनिफेस्ट है, जो मेरी मनोकामनाएं हैं, विशेष हैं, वो पूरी हो गई हैं, तब जरूर पूरी होंगी। क्वीन द यूनिकॉर्न, यहाँ पे आपको इस कार्ड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपको एंजल का वाकई बहुत ब्लेस प्राप्त है दोस्तों। यहाँ पे एंजल की जो क्वीन होती हैं, जो सब एंजल की जो रानी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं, वो आपको ब्लेस कर रही हैं। वाकई आप बहुत ही ब्लेस व्यक्ति हैं दोस्तों। आप एंजल के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ब्लेस प्राप्त है आपको। अगर आप एंजल को आप बुलाते भी हैं कि एंजल मेरी सहायता करिए, तो आपके पास वो जरूर आएंगी हेल्प करने के लिए, आप जब किसी भी तकलीफ में रहेंगे तो। इस कार्ड से ये पता चलता है आपको ईश्वर से भी ब्लेस प्राप्त है, साथ साथ एंजल से भी ब्लेस प्राप्त है। द साइलेंस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, किस चीज़ को चुनूं, तो आप यहाँ इस कार्ड के द्वारा ये पता चलता है कि आप किसी एकांत में जगह जाइए, तो आपकी जितनी भी मैनिफेस्ट हैं वो अवश्य पूरी होंगी। वो दिल से मांगिए, अवश्य पूरी होने वाली है। आप बहुत ही लकी पर्सन हैं। आपको सजेशन भी दिया जा रहा है कि अगर आपको सही मार्ग नहीं मिलता है, आपको सही चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप एकांत में जाकर सोचिए, इनर वॉइस की आवाज़ सुनिए, तो जरूर पूरी होगी।
आप इतने अच्छे इंसान और ब्लेस द्वारा हैं ईश्वर के द्वारा। आर्क एंजल माइकल, कहने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आप इतने बहुत ही लकी पर्सन है दोस्तों, बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली पर्सन है कि आपको एंजल का, यूनिकॉर्न का और फिर देवदूत का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त है। आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, आप अगर सच्चाई के राह पे चलते हैं, अच्छाई के राह पे चलते हैं, तो आपको तीन तीन ईश्वर भी ब्लेस दे रहा है, यूनिकॉर्न भी ब्लेस दे रहा है, एंजल भी ब्लेस दे रहे हैं और साथ साथ देव दूत भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी जितनी समस्याएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो आपको छू भी नहीं पाएंगी, आएंगी और निकल जाएंगी, इतने आप लकी पर्सन हो। सेकिंग गुड, आपके जीवन में कार्ड बोल रहे हैं, देखिए दोस्तों मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड की एनर्जी बोल रही है। सेकिंग गुड, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, हर चीज का सलूशन जो आप सोचेंगे वो अच्छा ही होगा, बहुत ही कहने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, इतने प्यारे कार्ड निकल कर आए हैं, कार्ड को ही देख के समझ में आता है कि आपकी जो आपका ऑरा है ना दोस्तों, बहुत ही लकी है, बहुत ही आप जहाँ जाएंगे वहाँ खुशियाँ लेके जाएंगे, कहीं भी जाएं आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आप जहाँ रहेंगे, जहाँ जिसके घर जाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए लक ही लक आएगा उसके घर में। देखते हैं और ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है। साइलेंस, देखिए दोस्तों आपके सामने ही मैंने सफल किया है, द साइलेंस देख रहे हैं, दोनों कार्ड साइलेंस के आए, यानी आपको अगर किसी चीज की समस्या का हल नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो दो साइलेंट का कार्ड आ गया, देख रहे हैं, एक ये साइलेंस और एक ये साइलेंस, यानी आपको बहुत ही आपका भाग्य इतना अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा भी अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनते हैं, अगर आप अपने दिल की बात सुनते हैं, तो आपको सक्सेस होने और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे गॉड भी बोल रहे हैं कि आपके भाग्य में बहुत ही डेस्टिन है, आप बहुत ही आशीर्वादित व्यक्ति हैं, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही लकी पर्सन है। अगर मान लीजिए आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए किसी एकांत जगह पे जाइए और अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनेंगे, तो उस समस्या का हल जरूर मिलेगा और आप बहुत ही ज़्यादा फेमस और सक्सेस होने वाले हैं दोस्तों, इन कार्ड को भी देख के लगता है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया द नथिंग, आप ज़्यादा सोच विचार में मत रहिए, बहुत चिंता मत करिए। इस कार्ड से भी मैंने बोला ना कि आप बहुत ही सोचने समझने वाले, आप बहुत ही चिंतित करते हैं, मन से बहुत परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे आप इतने अच्छे, इतने भाग्यशाली लकी पर्सन हैं, तो आप इतना चिंता और झूठ मूठ का काल्पनिक सोच लेके क्यों डरते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी आपको तकलीफ नहीं है, तो आप डरिए नहीं, आपके जीवन में कोई भी समस्याएं भी कुछ नहीं कर पाएंगी, नथिंग कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा आपके जीवन में। यहाँ इस कार्ड से ये पता चलता है आप इतने भाग्यशाली और लकी हैं, आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको ईश्वर का, गॉड का ब्लेस प्राप्त है दोस्तों। देखते हैं और क्या, टोटालिटी, यानी आपका भाग्य तो ऑलरेडी बहुत चमका हुआ है, उज्जवल है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये दिया गया है कि आप कोई भी काम करें ना, तो आप सोच समझ के काम करें, क्योंकि इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपका मन बहुत चंचल है, और जब मन चंचल होता है तो आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है, तो इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप समग्रता से सोच समझ के कोई भी निर्णय लीजिए। यहाँ पर आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, मेल या फीमेल जो भी देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप आशीर्वादित व्यक्ति हैं, आपके जीवन में जितनी भी समस्या आएंगी आप अपने उसको सोच से विचार से एकदम हटा देंगे।
जिस तरह देखिए ये लड़की है ना बैलेंस बना के आप झूला झूल रही है, उसी तरह आप बैलेंस बना के अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बहुत सुख समृद्धि से यापन करेंगे जिएंगे। और आपका भाग्य तो आपके साथ है ही है, तो आपको डर कैसा, नथिंग, कुछ मत सोचिए, चिंता मत करिए, तकलीफ में मत रहिए। आप जीवन में इसी तरह सन की तरह चमकते रहिए, सक्सेस रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे ये दिया जा रहा है और चमकेंगे भी आपको बहुत ही, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। अगर नौकरी होगी तो उससे भी आपको ऊंचा पद मिलने वाला है, बहुत ही सुख समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। अगर आपका भाग्य इतना प्यारा, इतना अच्छा, बहुत ही उज्जवल है दोस्तों। अगर ये फाइल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और साथ ही साथ आप प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखिए, और जिनको रीडिंग करानी है, टैरो रीडिंग करानी है, जिसको हस्त रेखा दिखाना है, वो भी व्हाट्सएप कॉल कर सकता है दोस्तों। और ढेर सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच।